वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। और ब्रेक से जाने से पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम आज डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों की क्रिएटिविटी के हवाले से। हमारे यहाँ नॉर्मली हम प्रैक्टिस भी देखते हैं, कुछ टेबलेट्स का इस्तेमाल, कुछ सोशल मीडिया का इस्तेमाल, जो आपके गैजेट्स हैं, इसने बच्चों की जो क्रिएटिव स्किल्स हैं ना उनको कहीं ना कहीं कम कर दिया है। क्यों कम किया है, क्या वजूहत है, इनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है और बच्चों को जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उनको पॉलिश किस तरह से किया जा सकता है, इस तमाम चीज़ों पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी राबिल लियाज, जो कि लेक्चरर हैं और उसके साथ एजुकेशनिस्ट भी हैं। वेलकम टू द शो राबिल, कैसी हैं? प्लेजर टू बी हियर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। राबिल, हम आज बच्चों के, वैसे हम बच्चों से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे भी लेकर जाएंगे। क्रिएटिविटी बहुत कम होती जा रही है, क्या वजूहत हैं, जरा आज हम इसको एड्रेस करें। बेसिकली क्रिएटिविटी होती क्या है? बेसिकली क्रिएटिविटी ये होती है कि आपकी वो स्किल्स जो कि कुछ भी नया तख्लीक करने, यानी न्यू क्रिएटिव स्किल्स के कुछ नया क्या आप बना रहे हैं। बिल्कुल, ये बेसिक उसकी डेफिनेशन है। लेकिन उसके अलावा ये कि आप सोल्यूशन क्या आपके पास है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड थिंकिंग कैसी है आपकी, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक लिमिटेड स्कोप है हमारी थिंकिंग का, कि हम सोचते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया और टैबलेट्स और टेक्नोलॉजी ही एक कल्प्रिट है। दैट इज़ ओनली वन सिंगल साइड ऑफ द स्टोरी, और बहुत सी रीजन है, फैक्टर्स इसके इसके पीछे। बिल्कुल ठीक हो गया राबिल, अभी उन फैक्टर्स को अगर हम डिस्कस करें, क्या वजूहत हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो बच्चों की क्रिएटिव स्किल्स को कम कर रहे हैं? अच्छा, इंटरेस्टिंगली व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क ऑन दिस टॉपिक, सबसे बड़ा एक कल्प्रिट हमारा एजुकेशन सिस्टम है। एक क्वेश्चन है, उसका एक ही राइट आंसर है, ऐसा नहीं होता। सही, ठीक है, और हम कन्फाइन कर देते हैं कि बच्चे ने अगर वो सही जवाब दिया है तो ही उसको मार्क्स मिलेंगे। एग्जैक्टली। सो आई रिमेम्बर बैक इन माय 8th ग्रेड, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जब मैं शिफ्ट हुई, तो आई जस्ट डिटेस्टेड माय इंग्लिश टीचर, के वो कहती थी कि जो मैंने ऐसे दिया मीनिंग और जो लिखो, और जो डिक्शनरी में वर्ड्स के मीनिंग्स हैं वही आपने लिखने हैं। मैंने कहा मतलब और लफ्ज में ये तो वही बात हो गई कि और अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं हम कर सकते। तो जब आप बच्चे को कन्फाइन कर देते कि उसने उसी एक फ्रेम में बात करनी है, तो ऑब्वियसली क्रिएटिविटी तो शुरू से हम किल कर देते यही राबिल प्रैक्टिस में परसों देखी थी, मेरा नेफ्यू पढ़ा और उसकी टीचर ने उसको मीनिंग दिए हुए थे और वो मीनिंग बिल्कुल ठीक बता रहा था, मतलब उसने जो अपने अल्फाज अपने अल्फाज में वो बिल्कुल एग्जैक्ट था। और मैं देख रही हूँ कि ये उसकी टीचर ने कहा कि उसके मार्क्स क्रॉस किया हुआ और जो उसने वर्ड लिखा वो उसी से मिलता जुलता था और उसको मार्क्स नहीं दिए। और ही वाज सो डिसअपॉइंटेड कि मैंने तो ये मीनिंग सही बनाया था। इसी तरह वो सेंटेंस कोई बना रहा था तो वो बिल्कुल ठीक बना रहा था, लेकिन टीचर ने उस पर उसके मार्क्स डिडक्ट किए हुए थे कि जनाब ये सेंटेंस जो मैंने कॉपी में लिखवाया था वो नहीं था। अच्छा, मेरे ख्याल से मैं यही इसी से एक चीज़ रिलेट करूँगी, मैं खुद एक लेक्चरर हूँ और बहुत मुश्किल रूट लेती हूँ मैं अपने सब्जेक्ट्स को डिलीवर करने में, that I give my students questions जिसमें वो अपने ओपिनियन दे सकें। सही। सो उसमें फिर मेरी हार्डवर्क ये होती कि 50 इंडिविजुअल आंसर्स में चेक करने होते हैं और उनको उस तरह से मार्क्स देने होते हैं। सो उसमें टीचर्स का और एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत प्राइम रोल है। So, you cannot neglect that. अच्छा, सोशल मीडिया और टैबलेट्स तो बिल्कुल बात की बात है। अभी हम इनिशियली देखें तो जिस तरह आप स्कूल में हम किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि बच्चों को क्रिएटिव होना आजकल के दौर में बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है चीज़ें चेंज हो रही हैं, नई से नई चीज़ आ रही है, अगर बच्चा हमारा उसी तरह से उसी डगर पर लगा रहेगा तो फर्दर जाके तो प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल, डेफिनेटली होगी। आई गेस प्राइमरी स्कूल में और अर्ली ईयर्स में, बल्कि स्कूल से पहले अगर जाएं घर में, बच्चा जब बोलना अभी शुरू करता है तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप उसको वो गुंजाइश ही नहीं देते हैं। अगर वो प्रटेंट कर रहा है कि उसने ब्लॉक्स को जोड़ के एक जहाज़ बनाया है और वो एरोप्लेन नहीं लग रहा है एरोप्लेन, इनकरेज करें आप, राइट, और उससे पूछें कि उसने उसको जहाज क्यों समझा, एंड ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन। दैट्स व्हाट आई हैव सीन विद माय ओन सन्स, वो ब्लॉक्स को जोड़ के एक एरोप्लेन बना रहे हैं या एक हट बना रहे हैं, आई हैव टू इनकरेज देम। तो वहीं से उनके वो एक्चुअली स्किल्स डेवलप होते हैं, देन बिफोर इवन स्कूल आप उनको कलर्स दे सकते हैं। कलर्स से वो क्या क्रिएट कर रहे हैं उससे भी बहुत ज्यादा गुंजाइश निकलती है, इट रियली यू नो ब्रॉडन्स देयर स्किल्स। सो वो एक स्कूल जाने से पहले वाला बच्चा जो भी बोलना शुरू करता है वो किस तरह से एक्सप्रेस करता है और उसकी अपनी क्या थिंकिंग है, वो दुनिया को किस तरह से देख रहा है, किन रंगों में देख रहा है और उन रंगों को कैसे ट्रांसलेट कर रहा है। सो दैट्स व्हाट मैटर्स इन द लॉन्ग रन। फिर उसके बाद स्कूल वाली स्टेज आती है, जिसमें अर्ली ईयर्स में वो बच्चा जाता है, अभी प्लेटो से वो क्या बनाता है और ब्लॉक्स को वहां पे जोड़ के वो क्या नया सीखता है। बिल्कुल, मैंने ऐसे ही देखा है कि इनिशियली तो बच्चे को ये भी नहीं पता कि इसको जोड़ना कैसे है,
जब वो स्कूल जाता है तो उसे नई नई चीजें बनाना शुरू करता है, तो वो क्रिएटिविटी है ये भी। ठीक है, अच्छा राबी, अभी हम स्कूल की बात करें, टीचर्स की बात करें, हम आम लाइफ में, हम घर पर भी जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हम नॉर्मली बच्चों के साथ कोई क्रिएटिव या क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते। बिल्कुल, ये इस पे भी हमारे गिल्टी फैक्टर थोड़ा सा आ रहा है। वो एक फेसबुक माइम में पढ़ी थी कि बच्चा हाथ उठा के दुआ मांग रहे कि या अल्लाह माँ बाप को तौफीक दे कि हमें भी देख ले फेसबुक के अलावा। बिल्कुल, वो हम सब जो है ना फेसबुक से और सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा बाउंड हो गए, और अगर बच्चा बात करना चाह रहे हो और आप सुन ही नहीं रहे हैं, और बच्चे के अच्छा एक फेज आता है कि बच्चे ने बहुत ज़्यादा सवाल करने शुरू कर दिए होते हैं, तो आपके पास अगर वो जवाब नहीं है और अगर आप ये सोच के जवाब नहीं दे रहे कि तो बच्चा इसको क्या समझ आएगी, तो ऑब्वियसली उसके फिर वो थिंकिंग स्किल्स ही नहीं आगे बढ़ेंगे, तो कैसे क्रिएटिविटी डेवलप होगी। ठीक हो गया। अच्छा राबिल, क्रिएटिविटी के लिए हमें कुछ ऐसे टिप्स भी पेरेंट्स को भी देने होंगे, टीचर्स, और हम अपने एजुकेशन सिस्टम में भी लाना होगा, वो क्या क्या होंगे अभी हम डिस्कस करें। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की पहले बात करें, एजुकेशन सिस्टम में जैसे मैंने अभी शुरू में बात की कि आप इनकरेज करें कि एक बच्चा इंडिविजुअली अपने तरीके से अप्रोच कर सके आंसर को। सही, ऑब्वियसली कुछ चीज़ों में तो देर हैज़ टू बी अ राइट आंसर, 2 + 2 = 4, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी के वो 5 हो सकता है, बच्चा तो सोचेगा ना। बिल्कुल, और साइंस में भी लेके ऐसे ही है, तो जहाँ पे क्रिएटिविटी की कोई मार्जिन है, जहाँ पे एक राइट आंसर से हटके भी कोई गुंजाइश है, तो टीचर्स को और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि बच्चे को वो मार्जिन दिया जाए। जैसे कि अभी आप बता रही थी कि मतलब बच्चे ने जवाब थोड़ा सा हट के दिया और उसको क्रॉस कर दिया गया, सो वी रियली नीड टू बी काइंड, वी नीड टू गिव देम दैट मार्जिन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। डिफरेंट लेवल्स पे आते हैं, एक एक्सप्रेशन है जो कि बोलने का है, एक लिखने का भी एक्सप्रेशन, और कुछ हाथ से खुद बनाने का भी है। हमारे साथ कॉलर हैं जी, मिसेस काशिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मिसेस काशिफ, क्या कहना चाहेंगे जी? मुझे जैसे वो राबिल न्याज बात कर रही हैं जी, मुझे ये कहना है कि मैं अपने बच्चों को घर में ट्यूशन दे रही हूँ, ठीक है, मैं एकेडमी नहीं भेज रही। जैसे उन्होंने बात की है कि बच्चों की क्रिएटिविटी और ये वो चीजें जो है, उस हिसाब से मैं अपने बच्चों को खुद तालीम देती हूँ, उनको कहती हूँ अपने अल्फाज में बयान किया जाए, आप जो भी कहना चाहते हो आप बताओ, रिलैक्स होके बताओ। वो आगे से कहते हैं टीचर ने कहा है कि आप ऐसे ही करके आना है, अगर आप ऐसे नहीं करके आओगे जैसे हमने बताया है तो आपका प्रोफेशन गलत हो जाएगा। सही। तो मैं स्कूल में जाके इस बारे में डिस्कस की है, तो टीचर्स कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, बाकी बच्चों के हिसाब से ही हमने इनको काम करवाना होता है, सबका एक सा ही काम होगा। लेकिन वही बात है कि बच्चा इम्प्रूव कैसे करेगा, वो अपने अल्फाज को कैसे गेन करेगा, कैसे बताएगा। तो मुझे ये पता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अपने अल्फाज को आगे अदा करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको ऐसे करवा रही हूँ, कोई स्टोरी पढ़ रहा है, तो मैं उसे कहती हूँ इंटरेस्ट लेके पढ़ो, आप अपने अल्फाज में बताओ, हाँ उसमें ये बात कही गई है, ये बताया गया है, तो वो बड़ी अच्छे से उसको याद हो जाती है, इंटरेस्ट लेके पढ़ रहा होता है और वो बता रहा है अपने अल्फाज में, उसको पूरी स्टोरी उसने मुझे बताई है। लेकिन यही अल्फाज जब उसको एक रट्टे की तरह पढ़ाए जाते हैं तो वो उसको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा होता, वो समझ नहीं पा रहा होता। कितनी एज है आपके बेटे की? वो इस वक्त फोर्थ क्लास में है। फोर्थ क्लास में है, ठीक है जी। तो थ्री क्लास में है, दोनों को मैं खुद ही करवाती हूँ और बड़े अच्छे तरीके से वो समझते हैं, लेकिन जहाँ वो चीज चेंज हो जाती है कि स्कूल पैटर्न के मुताबिक करवाना है, वहाँ वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। ठीक हो गया मिसेस काशिफ, अभी हम इस पे डिस्कशन करते हैं और आप सुनिएगा, आपको भी थोड़ी हेल्प मिल जाए शायद राबिल से, हम जानते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी राबिल। अच्छा एक और एस्पेक्ट सामने आ गया कि बच्चे ने टॉप ही करना है और अबव एवरेज ही रहना है, क्लास में फर्स्ट ही आना है। अगर ये बंदिश खत्म हो जाए, जो कि काफी मुश्किल बंदिश है, तो बच्चा चले अगर स्कूल बाउंड कर रहा है और बेचारा मजबूर है एंड ही हैज टू गिव दैट आंसर व्हिच द टीचर हैज रिक्वायर्ड हिम और हर टू गिव, चले फिलहाल उस हद तक दे दें, लेकिन आप घर में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। आई रिमेम्बर इन माई चाइल्डहुड डेली डायरीज लिखा करते थे हम, और कहीं सैर पे जाते थे या कोई नया एक्सपीरियंस करते थे तो हमारे अम्मा बाबा में कहते थे कि जी इसके बारे में लिखें। अब वो तो आपकी अपनी इंटरनल एक्टिविटी है, वो कहीं स्कूल में भी नहीं जानी, तो आप घर में डेफिनेटली इस तरह की सारी अपॉर्चुनिटीज उनको दे सकते हैं। ठीक,
और थोड़े बड़े जहाँ बच्चे हो रहे हैं वो ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं. ठीक हो गया. थैंक यू वेरी मच रावेल, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ रही, आपने हमें इतने अच्छे से बताया. जनाब क्रिएटिविटी आपके बच्चे में, हर बच्चे में क्रिएटिव स्किल्स होती हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है, लेकिन उसको पॉलिश करना, उसको बेहतर तौर पर सामने लाना, उसको यूटिलाइज करना, ये आपकी भी जिम्मेदारी है. अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उसके साथ कुछ एक्टिविटीज करें ताकि आपको भी पता चले कि जनाब उसकी क्रिएटिव स्किल्स क्या है. जनाब सेहत के हवाले से भी कुछ बात करेंगे, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट होती है रोज हमारे साथ मौजूद, कुछ ना कुछ हमें टिप्स देती है, और आज हमें आयशा कॉन्स्टिपेशन के हवाले से बताने वाली है डाइट का, तो आयशा से बात करते हैं. जी आयशा. जी अर्मला, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज की जो शिकायत होती है पेशेंट्स को. इसकी बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत से मेडिकेशंस होती हैं, ऐसी दवाइयां वो ले रहे होते हैं जिनका साइड इफेक्ट में उनको कब्ज हो जाती है, और इसके अलावा कोई ऐसी इलनेसेस होती हैं, बीमारियां होती हैं जिनमें भी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हो सकती है पेशेंट्स को. इसके अलावा ईटिंग पैटर्न्स हमारे ऐसे होते हैं पेशेंट्स के कि वो खा नहीं रहे होते, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे होते, पानी का इंटेक उनका कम होता है, और वो पेशेंट्स जो ट्रैवलिंग में होते हैं यानी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनको भी कब्ज हो सकती है. तो इसमें सिवियरिटी और इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो पेशेंट पे डिपेंड करती है. कुछ पेशेंट्स में ज़्यादा सिवियरिटी होती है, कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी होती है कॉन्स्टिपेशन की. और कॉन्स्टिपेशन होती है मींस के लेस देन 3 जो स्टूल्स होते हैं वो पर वीक वो पास कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन. और पेनफुल भी होता है और टॉलरेबल नहीं होता पेशेंट्स के लिए. तो इसके लिए जो डाइट हम रिकमेंड करते हैं वो ज़्यादातर हाई फाइबर फूड या रेशे वाली ग़िज़ाएँ जो होती हैं वो इन पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं. बहुत से फूड्स में फाइबर जो है वो बहुत ज़्यादा इन मिकदार में पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे फूड्स हैं या ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिनमें ज़्यादा फाइबर पाया जाता है. सबसे पहले जो नेचुरल रेमेडी है और जो पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं ऐसे पेशेंट्स को, वो है प्रूनस, जिसको हम खुश्क आलू बुखारा भी कहते हैं. इसमें अबाउट 1 ounce जो प्रूनस है मींस के 3 जो आलू बुखारे होते हैं उसमें 2 grams ऑफ फाइबर होता है. तो ये आपका बहुत ज़्यादा मिकदार है. और इसके अलावा जो इसमें एक इनसॉल्युबल फाइबर है सेलुलोज, जो आपके स्टूल्स को में वाटर की मिकदार को ज़्यादा करता है और वो ईजीली पैसेज के लिए हेल्पफुल होता है. नंबर 2 पे आ जाते हैं एप्पल्स. एप्पल्स हम ऐसे पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं विद स्किन, यानी उसको छिलके के साथ सेब को खाएं. एक मीडियम जो एप्पल होता है दिस प्रोवाइड्स अबाउट 4.4 grams ऑफ फाइबर. और ये इनसॉल्युबल फाइबर पेक्टिन इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो आपके स्टूल्स की पैसेज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. नंबर 3 पे आ जाते हैं हमारा कीवी फ्रूट, जो बहुत अब रेडिली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में. इसको आप लें, इन पेशेंट्स के लिए बहुत रिकमेंडेड है. इसके अलावा इंजीर है, 1 cup ऑफ इंजीर प्रोवाइड्स अबाउट 7.3 grams ऑफ फाइबर. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी है, हेल्पफुल है इन पेशेंट्स के लिए. इसके अलावा हमारे ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स आ जाती हैं. और ऐसे पेशेंट्स को हम जो चक्की का आटा होता है वो इस्तेमाल करना चाहिए, बगैर छाना हुआ आटा होना चाहिए. दालें, छिलके वाली दालें इस्तेमाल करें, लेग्यूम्स जितनी भी हैं, चने की है, माश की है, ये सब दालें इस्तेमाल कर सकते हैं पेशेंट्स. इसके अलावा हमारी जो वाटर इंटेक है यानी पानी की मिकदार की ज़्यादा इस्तेमाल करें, अबाउट 8 to 10 glasses डेली रिक्वायर हैं इन पेशेंट्स के लिए. और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज, थोड़ी सी एक्टिविटी अपनी इंक्रीज करें. फिजिकल इनएक्टिविटी भी है, वो भी एक मेन कॉज है कॉन्स्टिपेशन इन पेशेंट्स के लिए. तो इन सब चीज़ों पे अगर आप फॉलोअप करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है ये इजीली रिजॉल्व हो सकती है. थैंक यू सो मच आयशा कि आप कॉन्स्टिपेशन के हवाले से हमें गाइड करती है. अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे. आप देखते रहिए जागो लाहौर.